सरकार द्वारा श्रम कानून में किए गए बदलाव का विरोध बढ़ता जा रहा है। मोयल जनशक्ति मजदूर संघ बालाघाट ने श्रम कानून में बदलाव को मजदूरों के हितों से खिलवाड़ बताते हुए इसके विरोध में जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस संबंध में मोयल जनशक्ति मजदूर संघ के अध्यक्ष रामकृपाल खुरसेल एवं महामंत्री श्रीमती कल्पना रणदीवे ने संयुक्त रूप से जारी विज्ञप्ति में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानून में किया गया बदलाव कोरोना वायरस से भी ज्यादा घातक है। इस तरह का बदलाव मजदूरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। मजदूर संघ पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना संकट से लड़ते हुए करीब 2 माह का समय होने जा रहा है और देश अभी भी पूरी तरह खुला नहीं है। लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधों व व्यापार की कमर टूट गई है तथा देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा कामगार कर्मचारी व दिहाड़ी मजदूरों व छोटे बड़े उद्योगों को भुगतना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि श्रमिकों को 2 वक्त का भोजन व पगार नहीं मिल पा रहा है। सभी राज्यों में आपदा की स्थिति निर्माण हो गई है। वैश्विक महामारी के समय केंद्र सरकार के द्वारा श्रम कानून में बदलाव कर श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात किया गया है। इसमें मजदूरों के हित व सुरक्षा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। मोयल जनशक्ति मजदूर संघ बालाघाट इस बदलाव का पूरी तरह विरोध करता है तथा आने वाले दिनों में समस्त श्रमिक यूनियन मिलकर इसके विरोध में आंदोलन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के इंटक अध्यक्ष आरडी त्रिपाठी, रामराज तिवारी, एटक एचएमएससी2 संघ ने भी प्रस्तावित श्रम सुधार कानून का विरोध किया है। श्री खुरसेल ने जानकारी दी कि श्रम कानून में बदलाव के विरोध में मोयल जनशक्ति मजदूर संघ द्वारा हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर चीफ जस्टिस के बेंच में दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी दलीलें रखी। हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता नमन नागरथ, संजीव मिश्रा, हिमांशु मिश्रा, जुबिन प्रसाद, अन्वेश श्रीवास्तव के अलावा सरकार की ओर से पीके कौर ने श्रम कानून पर अपनी दलीलें रखी। अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करने के बाद चीफ जस्टिस ने मध्य प्रदेश राज्य और ANR को नोटिस जारी कर 15 जून तक जवाब मांगा है तथा पुनः बहस हेतु तारीख 17 जून निर्धारित की गई है। मोयल जनशक्ति मजदूर संघ अध्यक्ष ने कहा कि श्रम कानून में बदलाव के तहत उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य द्वारा श्रम आयुक्त का गठन किया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। यह गठन मजदूरों की स्वतंत्रता पर प्रतिघात है। हमारा मजदूर किसी भी राज्य में काम करने जाएगा तो वहाँ की सरकार संबंधित मजदूर की स्वीकृति उसके गृह राज्य से ली जाएगी, तब जाकर उसे रोजी मिल पाएगी। यह एक काला कानून है जिसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए ताकि मजदूर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। मोयल जनशक्ति मजदूर संघ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट रामकृपाल खुरसेल। जनरली अभी क्या हुआ कि जब कोरोना महामारी का जब दौर जनवरी से जब चालू हुआ, उसी पीरियड में केंद्र सरकार ने श्रमिकों के एक विरोध में कानून लाया, बदलाव किया। उन्होंने श्रम कानून में बदलाव लाया, उसका हम लोगों ने विरोध किया है। उसमें विरोध इसलिए किया गया है कि जो श्रमिक है उसकी मानव शक्ति की कैपेसिटी, पहले 8 घंटे का समय दिया जाता था उसको नौकरी करने के लिए, अब उसको 12 घंटे कर दिया गया है। बहुत सारी इंडस्ट्रियों में जो लोग काम करते थे, जैसा पहले 25 लोगों को 20 लोगों को कि भाई उनको लाइसेंस दिया जाता था, उनसे उन पर अगर कार्रवाई की जाती थी, PF कट रहा है नहीं कट रहा है, ग्रेजुएटी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीज़ों को उन्होंने एक तरफ करते हुए 100 श्रमिकों को तक के लिए इन्होंने कानून को अलग कर दिया। ये जो श्रमिकों के विरोध में जा रहा था कि श्रमिकों को 100 लोग के जिनको पंजीयन कराते हैं उन्हें किसी भी चीज़ का कोई आवश्यकता नहीं है दिखाने की, PF काट रहे हैं, ग्रेजुएटी मिलेंगी या नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ों को उनको मालकाना हक दे दिया ठेकेदारों को, जो जो लोग उद्योग में काम करते हैं, जो जो लोगों का ठेका चलता है, मालक लोग रहते हैं, उन्हें शोषण का एक मौका दिया गया है कि आप अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, कभी भी किसी श्रमिक को बना निकाल सकते हो, बंद कर सकते हो, उद्योग को बंद कर सकते हो। इस तरीके को हमने देखते हुए श्रमिकों के पक्ष में ना जा रहा है ये सब चीज़ें और उनके विरुद्ध में कार्य की जा रही है केंद्रीय सरकार द्वारा, इसलिए हमने
इसको पहले तो हमने पेपरबाजी की, पेपर में भी दिया कि श्रम कानून का बदलाव का हम विरोध करते हैं, और इसके जब हमारे देने के बाद में अनेक संगठन एटक, इंटक, सीटू, एचएमएस, अनेक प्रकार के संगठनों ने भी इसका विरोध करना चालू किया, परंतु हमने देखा कि भाई इस पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। महामारी को कोरोना के चलते श्रमिक कोई बाहर आंदोलन नहीं कर सकते, हम लोग काला फीता दिखाना, घर में बैठ के विरोध जताना, ये सारी प्रक्रिया करें, लेकिन इससे कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। इस कारण हमने जौलपुर हाईकोर्ट में एक पिटीशन 21 तारीख को दायर की। इसमें जो हमारे सीनियर वकील थे श्री नमन नागराज जी एवं और उनके साथ में 6 वकीले थे, 6 वकीलों ने मिलकर एक इस पिटीशन को हमारे संगठन के द्वारा दायर किया गया, हमने दायर किए और उसके बारे में आज एक जून को नोटिस इशू हुआ। दोनों की पैरवी सुनने के बाद में नोटिस इशू किया गया है और 15 तारीख तक के उन्हें जवाब देने के लिए बोला गया है कि जवाब सबमिट करो, और 17 तारीख को इसको फिर फाइनल आर्गूमेंट के लिए रखा गया है। तो हमको पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से हमको जरूर न्याय मिलेगा और ये श्रमिकों के हक में जाएगा, ये हम सारी उम्मीदें करते हैं और हमें पूरा भरोसा है। और मैं मीडिया से भी, सभी मीडिया बंधुओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज जो महामारी के समय में देखा है अपने मजदूरों का कितना दर्द है, कितना महसूस है, कितना खाने को पैसा नहीं है, मजदूर रोड में मर रहे हैं, उनको ट्रेनें नहीं हैं, पैदल चल रहे हैं, बच्चे, अनेक प्रकार का दर्द आप लोगों ने जीवन में 70-80 साल में कभी नहीं देखा होगा जो आज हमें देखने मिला। उसी दौरान पर केंद्र सरकार ने एक नया खेल करके ये जो राजनीतिक पैतरा खेला श्रमिकों के अगेंस्ट में, ये बहुत ही घिनौना है। और मैं तो सोचता हूँ कि कोरोना से बहुत बड़ा वायरल है, कोरोना वायरल ख़त्म हो सकता है परंतु ये वायरल ख़त्म नहीं होगा। अगर इसमें न्याय नहीं मिला तो ये वायरल कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो पाएगा और मजदूरों का जिंदगी भर शोषण होते रहेगा। BS क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए YouTube चैनल, वेबसाइट, Facebook, Twitter, Instagram पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और Google Play Store से BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।